ये रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील है, याद रखें। इसमें कोई फतवे, मसले, बहसें, मुनाजरे ना होते हैं, ना हो सकते हैं, ना होने चाहिए। दो मुसलमानों में कायनात का हर इख्तलाफ हो सकता है, अपने महबूब की, अपने आका और मौला की नस्बत और मोहब्बत, उस पर बहस नहीं हो सकती। दो बंदे कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दरमियान हर मौजू से बहस आ सकता है। जाते बारी ताला के बारे में भी बहस हो सकती है, लेकिन जाते पाके मुस्तफा के बारे में कोई बहस नहीं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के मौजूआत में कि ये भी था, ये बात मैंने इसलिए कही, इसके पीछे सनद है। हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं दीन बयान कर रहा हूँ, और दीन वो होता है मा काल अल्लाह व काल रसूल। सहाबा बहस कर रहे थे जाते बारी ताला के बारे में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए अल्लाह की जात के बारे में, तो फरमाया क्या कर रहे हो, कि जी हम अल्लाह की जात पे बात कर रहे हैं, तो फरमाया ला ततफक्करु फी जातिल्लाह, फरमाया उसकी जात के बारे में बातें न किया करो, बल्कि ततफक्करु फी सिफातिल्लाह, बातें करनी हो तो उसकी सिफात और आला और नेमतें जो उसने अता की उनको डिस्कस किया करो। आज हम रब की सबसे बड़ी नेमत को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे कुरान ने नेमतुल्लाह कहा है।